तो पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है और बारिश की जो रफ्तार है उसके चलते सैलाब हर तरफ देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। कहां क्या स्थितियां हैं ये हम आपको बता रहे थे रिपोर्ट के जरिए, लेकिन देखिए बहुत से ऐसे इलाके हैं जो इसकी जद में आ गए हैं और ऐसे में भारी भीषण तबाही की तस्वीरें लगातार हिमाचल से सामने आ रही है। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है, शहरों में संकट खड़ा हो गया। कहां क्या क्या हालात है आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले बात ऊना की करें तो ऊना में बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है, कई इलाके से प्रभावित हुए और कई लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा अगली जगह के बारे में भी आपके सामने जानकारी रख देते हैं। नाहन उफान पर है यहां मरकंडा नदी, लगातार हो रही बारिश के चलते मरकंडा नदी उफान पर है और जेसीबी से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हिंसा जारी है, गलत व्यवहार जिसकी निंदा दुनिया भर में हो रही है। जानकारी मिल रही है कि हिंदुओं के डेलीगेशन से मिलेंगे अंतरिम पीएम। सूत्रों से एक खबर मिल रही है कि बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस मुलाकात करेंगे। ढाका में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू एकजुट हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन जारी है, डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेहद खास मेहमान, जूरा पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर आपका। हम लगातार बांग्लादेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आहत है हर कोई इससे कि क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्यों लगातार हमले हो रहे हैं और अंतरिम सरकार कुछ नहीं कर रही है। तत्काल प्रभाव से अंतरिम सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वहां जो अराजक तत्व हैं, जो हिंसक तत्व हैं, जो अनेक संस्थाओं से प्रेरित हैं, खासतौर से पश्चिमी देशों में इसका षड्यंत्र रचा गया, उन देशों के द्वारा एक बड़ी टूल किट तैयार की गई, एक चुनी सरकार को अपदस्थ करके वहाँ केवल हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए सब किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ की अंतरिम सरकार तत्काल कठोर कार्रवाई करें और यूएनओ को भी मैं अपील करना चाहता हूँ, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद को, कि पूरे संसार में कहीं कुछ होता है किन्हीं समुदायों के प्रति, तो वो आवाज़ उठाते हैं, वहाँ से शिष्टमंडल डेलीगेशन जाता है और पूरे संसार भर के वे मानवाधिकारों की बात करने वाले संगठन हैं कहाँ। हमारे भारत में भी कई संगठन ऐसे हैं जिस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। न जाने कितनी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो बांग्लादेश पर कुछ कहना नहीं चाहती हैं। मुझे तो एक बड़ा अचंभा इस बात पर है कि पूरे संसार भर के दो संगठन बांग्लादेश पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं, जो अल्पसंख्यकों के लिए तत्पर हो जाते हैं वहाँ सहायता पहुँचाने के लिए, अथवा तो वहाँ पर उनको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने के लिए। इस समय वहाँ हिंदू भारी असुरक्षा में हैं, विशेषकर वहाँ की युवतियाँ तरुणियाँ किस ढंग से उनको अपमानित किया जा रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनको उजाड़ दिया गया है और आज भी निरंतर वो हिंसक कार्रवाई या वो एक नरसंहार अभी भी लगातार है। इस पर तत्काल अंतरिम सरकार को कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टर को अपदस्थ करना था, वो उनका विषय था, पर उसके अलावा वो हिंदुओं को लक्षित करके, हिंदुओं को चिन्हित करके उनका नरसंहार न करें। उन जिहादी मानसिकता के लोगों को, वो जो दानवी और राक्षसी प्रवृत्ति के साथ हिंदुओं पर जो अमानवीय अत्याचार कर रहे हैं, झुंड के झुंड उन दानवों को नियंत्रित करने के लिए, उन पैसाचिक प्रवृत्तियों के पिशाचों को, नर पिशाचों को नियंत्रित करने के लिए अंतरिम सरकार तत्काल कार्रवाई करे। और शरणार्थी वहां से भाग रहे, हम उनका स्वागत भी करना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि अगर शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी भारत में आते हैं तो उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन किस ढंग से वो गहरे आतंक में डूबा हुआ है पूरा हिंदू समाज, इसके लिए वहां की सरकार का एक दायित्व बनता है। वहां की सेना मिली हुई है, वहां की सेना और पुलिस में आपस में मतभेद है, वहां की सेना कई बार पुलिस को पीटती है, पुलिस वाले कई बार सेना को मार रहे हैं, वहां जो एक अराजकता इस कारण भी है कि अंतरिम सरकार ही जुड़ी हुई है उस नरसंहार के लिए। तो मैं अपील करता हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ की उस महासभा से जिसमें मानवाधिकारों के लिए बड़ी सजगता है, चौकन्नापन है, वो कहाँ बैठी है।
वो मूक बनकर बैठे हैं, चुप क्यों बैठे हैं वे सारे संगठन, उन्हें आ जाना चाहिए। मेरी बात यह है, पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है, न केवल संत समाज में, पूरे संसार के हिंदुओं के मन उद्वेलित हैं, पूरे संसार भर के हिंदुओं के मन में भारी आक्रोश है। चूंकि हिंदू अहिंसक है, हिंदू सभ्य है, सौम्य है, हिंदू कभी आंदोलन ऐसे नहीं करता कि किसी के घर उजाड़ दिए जाए, किसी समुदाय की सामूहिक हत्याएं कर दी जाए। तो उन हिंदुओं ने जिनके कारण बांग्लादेश में उन्नति है, आज बांग्लादेश में जो प्रगति दिखाई दी केवल हिंदुओं के कारण, ना कि इकोनॉमी में बूम आया, और हम भारत के लोग जिन्होंने बिल्कुल, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। स्वामी जी, एक सवाल मेरा और रहेगा, जिस तरीके से हम भारत की बात कर रहे हैं तो विपक्ष चुप्पी साधे हुए हैं, या फिर जो बयान सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि माइनॉरिटी के साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है कहीं ना कहीं वो सबक लेने वाली बात है। इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है इस मुद्दे पर बात करना, डिस्कशन करना और इसके लिए कदम उठाना या इससे सबक लेना? अरे अचंभा तो इस बात पे कि यहाँ का विपक्ष कई बार फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, अचंभा तो इस बात का है कि किसी भी संसार में कहीं कोई घटना हो तो विपक्ष एकदम घबरा जाता है दूसरों की सहायता करने के लिए। ये विपक्ष कर क्या रहा है भारत का? यहाँ के वो गैंग, मोमबत्ती गैंग कहाँ चले गए? वो लिबरल लोग कहाँ चले गए? उदारवादी झुंड के झुंड लोगों के जो पहुंच जाते हैं राजघाट पर, पहुंच जाते हैं वो इंडिया गेट पर, वो पहुंच जाते हैं वहां पर चर्च गेट पर, या वो पहुंच जाते हैं विक्टोरिया पार्क में, वो हैं कहां सारे? वो मोमबत्ती गैंग वो हैं कहां सारे जो बहुत सो कॉल्ड लिबरल हैं, वो लोग जो संसार भर के अल्पसंख्यकों के लिए अथवा उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की असुरक्षा में है या आवाज उठाई जाती है। अरे अचंभा तो इस बात का है कि इन विपक्षियों को भी तो हिंदुओं से वोट मिलती है, विपक्ष पूरा चुप बैठा हुआ है, विपक्ष के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का भारी नरसंहार हो रहा है, वहां की बड़ी भारी दयनीय स्थिति है इस समय। भाई कोई और बात मत सोचिए, वहां की हिंदुओं के सम्मान, स्वाभिमान, उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए आवाज उठाइए, न केवल भारत के लोग बल्कि संसार के सब संगठन आगे आने चाहिए। और वहां की एंटरिम सरकार उनको कत्ल करने के लिए मूक बन कर बैठे, वो आगे आए उन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। मैं वहां की अंतरिम सरकार को ये आग्रह करता हूं कि चुप न बैठें, उनके घर उजड़ने न दें, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। महाराज जी, अंतरिम सरकार के मुखिया एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पीस पुरस्कार मिला है, शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है उनको। उम्मीद ये थी कि शांति बनाए रखने के लिए वो बड़े कदम उठाएंगे, लेकिन अब तो वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और सरकार बने 5 से 6 दिन का वक्त बीत गया है, लेकिन कोई बड़ा कदम नहीं। अब डेलीगेशन से मिलेंगे हिंदुओं के, जब खुद अपनी रक्षा के लिए हिंदू सड़क पर उतर आया है। देखिए, जिसको पीस पुरस्कार मिला हो अंतरिम सरकार के मुखिया को, उसकी इतनी हास्यास्पद स्थिति है कि उसके हाथ में न सेना है न पुलिस है, न वहां के वो जिहादी हैं, वो एक प्रकार की एक पपेट पोजीशन में है अंतरिम सरकार का मुखिया। वहां तत्काल एक नई सरकार आनी चाहिए, वो सरकार आनी चाहिए जो वहां के हिंदुओं की रक्षा करे। ये सारी की सारी मैनेज चीजें हैं, और अभी हमें लग रहा था कि दोनों स्थितियां ठीक हो जाएंगी, निरंतर जो प्रहार हो रहे हैं ये तो बहुत भयानक दृश्य आ रहे हैं बांग्लादेश से। इंटरिम सरकार के मुखिया को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और संसार भर के मानवाधिकार संगठनों को एक उस पर बार बार चेतावनी देनी चाहिए कि इंटरिम सरकार का मुखिया हिंदुओं को कत्ल न करने दे, या कि उसके उन्हें कत्ल होते उन्हें उनका देखे उसे तत्काल